तो वो भी तो जा रहा है। क्यों रहा है तू? क्यों चीख रहा है? सब पागल क्या? छोड़ो हमारी पकड़। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी समय हम लोग गुड़गांव में हैं, दिल्ली के पास ही सिटी है गुड़गांव और दिल्ली। हाँ, गुड़गांव ये इज द एनसीआर। हाँ, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में आता है और वी आर लाइक इन दिल्ली ओनली, बट गुड़गांव जगह का नाम है। हाँ, जो कि हरियाणा का एक पार्ट है। हाँ, और यहाँ पर सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं वो ये। हाँ, तो ये हरियाणा की चने का साग। हाँ, ये हरियाणा की डिश है चना साग और लस्सी। और सुबह सुबह ओके, और सुबह सुबह ये पैक लगाते हैं, लस्सी का पैक। सॉल्टेड बटर मिल्क है। तो अभी सुबह सुबह तो यही यहाँ पर रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यार, 47। हाँ, लास्ट नाइट 47। अभी समय मैं अपने ब्रदर विशाल के साथ आया था और यहाँ पर विशाल के ही ब्रदर मिस्टर विनोद यहाँ पर ही रहते हैं। इज मिस्टर विनोद, हाय। तो हम लोग यहाँ पर इनके घर पर ही रुके हुए। यहाँ पर रुकने के लिए जो बेस्ट प्लेस है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज, मेरे साथ मेरे कज़िन ब्रदर हैं मिस्टर विनोद, और विनोद भैया ये बताएंगे कि हम लोग न्यू दिल्ली में या फिर दिल्ली में आएंगे तो कहाँ रुकना चाहिए, होटल में कौन सी जगह पे, कौन से लोकेशन पे ये होटल चूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको सभी जगहों पर घूमने के लिए कन्वीनियंटली आप वहाँ पर पहुँच सको, बताइए ना भैया। अच्छा, जैसे कि अब अगर आप आते हो ना सेक्टर 14 हो गया, सेक्टर 15 हो गया, वहाँ आप कह सकते हो दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर, हाँ, अगर मेन पुरानी दिल्ली जो न्यू दिल्ली में उठने के लिए नहीं। हाँ, न्यू दिल्ली में ठहर सकते हैं, न्यू दिल्ली थोड़ा कॉस्टली है अगर आप, लेकिन गुड़गांव में ठहरेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, दिल्ली इतना घूमने के लिए नहीं है, दिल्ली सिर्फ बिजनेस पर्पज से है और कुछ बिल्डिंगें हैं जिसके ऊपर वहाँ घूम सकते हैं। एक ऐसा लोकेशन जहाँ से सभी चीज़ें घूमने की नज़दीक हो, एक कोई लोकेशन का नाम? सेक्टर 14। वहाँ पे मतलब होटल्स का रेट क्या रहता है? होटल का रेट मिनिमम तो 1500 रहता है, 1500-2000 तक रहता है। एसी रूम? हाँ, एसी का तो जहाँ थोड़ा कॉस्टली है 2000 तक रहता है। 2000 नॉर्मल रूम है, 2000 का। ओके। सो गाइज, मतलब ये तो रहने के हिसाब से आपके बजट के ऊपर आप रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है और इस वजह से मेट्रो ट्रेन्स में भी थोड़ा रश रहता है दिन के समय, दिन भर रहता है इनफैक्ट। हाँ, सो मॉर्निंग में रहता है और ये इवनिंग में रहता है, आफ्टरनून में रश कम रहता है। तो ज़्यादातर जो घूमने की जगह हैं मतलब अपने को मेट्रो से ही कवर करनी पड़ेगी। हाँ, मेट्रो ज़्यादा बेस्ट है, मेट्रो चीप एंड बेस्ट और ईजी भी, ईजी तरीका। हाँ, मतलब कहीं भी दिल्ली में आने जाने का जो रूट है, मतलब बाई वॉट मीन्स यू कैन ट्रेवल इज द मेट्रो। मेट्रो से चलना फिरना इसलिए अच्छा है क्योंकि फास्ट भी जल्दी पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा ये रहता है कि आप अगर कहीं पर कार से जा रहे हो या कोई टैक्सी वगैरह बुक कर रहे हो तो वहाँ ट्रैफिक में फंस सकते हो। सो एनीवे, अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लिटरली आज का टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर 47 डिग्री था और रात को 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 35 डिग्री। और हम लोग इस समय बटर मिल्क पी रहे हैं थोड़ा सा घूमने की ताकत मिलने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी ज़्यादा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि गर्मियों में नहीं आना, जून में ना आए। तो घूमने के लिए जैसे हमारा जो इससे वैकेशन टाइम होता है ना, जैसे सीजनल टाइम बोलते हैं वो आपका ये सितंबर वगैरह में, सितंबर वगैरह विंटर सीजन बेस्ट रहता है। और मई जून में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मई जून में तो बिल्कुल नहीं। एनीवे, मैंने ये टूर पहले से प्लान किया था, मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, बट आप लोग मई जून में मत आइए, आप लोग विंटर सीजन में आइए और विंटर सीजन में बहुत मज़ा आएगा। विंटर सीजन आप ट्रायंगल घूम सकते हो, जैसे ट्रायंगल जयपुर हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये ट्रायंगल बोल सकते हो। अच्छा अच्छा, अगर सिर्फ दिल्ली आ रहे हैं घूमने के लिए, दिल्ली के पास में जयपुर भी है और दिल्ली के पास मथुरा भी है, दिल्ली मथुरा और जयपुर, आगरा और आगरा भी जा सकते हो, मतलब इन जगहों पर जा सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। मेरा प्लान तो टोटली डिफरेंट था। अच्छा, इलाहाबाद, जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और उसके बाद आगरा, उसके बाद यहाँ पे, तो मेरा ट्रैक ही कुछ अलग ही था। सो एनीवे, अब चलते हैं दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए। ये गुड़गांव की लोकेलिटी है।
यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स का अपार्टमेंट का सिस्टम नहीं है इतना है लेकिन ये तो कॉलोनी है ना ये। अच्छा ये कॉलोनी है। ये कॉलोनी है यहाँ पर नहीं है। ज़्यादातर लोग कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग बाहर के हैं। अच्छा जो दिल्ली के लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा लोकल है वो ऐसे मकान रहते हैं और जो बाहर से जो आके बसे हुए हैं यहाँ पर जो क्या नाम माइग्रेट हुए हैं तो वो यूजली क्या करते हैं वो टेक फ्लाइट्स हैं देश के देर होंगे। हाँ ओके तो मुंबई में तो ऐसा नहीं है। मुंबई में तो ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में ही रहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 9 बजे देखना आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ट्रैफिक इतना रहेगा और जैसे 10-11 बजे का पता हालत खराब है। ये 4 कुतुब मीनार। गाइज हम लोग कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार के लिए। पहले छोड़ दियो तब गैस भरो। कितना रुपए सवारी भैया कुतुब मीनार का? 10 रुपए सवारी भैया शेयरिंग में और पर्सनल जाओगे 50 रुपए सवारी। छोटे 40 दे रहा है यार। वो भी तो जा रहा है। क्यों रहा है तू? क्यों चीख रहा है? बिठाल बिठा पागल छोड़े हुए बिठाल बिठा कर यहाँ पे सुबह सुबह कुछ चाह रहा है। अच्छा चले ये शेयरिंग में जाओगे 10 रुपए सवारी लगेगी। हाँ शेयरिंग शेयरिंग और पर्सनल जाओगे 50 लगेगी। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार के लिए शेयरिंग रिक्शे में 10 रुपए पर सीट के हिसाब से यहाँ से जाते हैं ना। हाँ अगर रिजर्व करोगे तो 50 रुपए और रिजर्व करके वो मतलब एनी वे ये एक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट बतानी थी कि मतलब 10 रुपए में पहुँच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग तो मेट्रो में ही आने वाले बोलते धंधा करने वाला थोड़ा तेज लागे बोलते। आओ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भाई कुतुब मीनार। गुरुजी आगे ले लो। गुरुजी सवारी भरने के बाद आप अगर बस से ट्रेवल करना चाहो तो एसी बस में ऐसे अभी ना एसी बस गुड़गांव के सीधे गुड़गांव बस अड्डे तक। अच्छा ऐसी एसी बस जाती है वहाँ से अपना वो किधर है जहाँ पे जाना है तो वहाँ से रिक्शा कर लेना। ओके गाइस ये कुतुब मीनार सुबह 6:30 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे तक ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ है एंट्री फ़ी और फॉरेनर्स के लिए है 500 रुपीज़ और बच्चे जो 15 साल से नीचे है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, उनकी एंट्री फ्री है। ले लिया बैग? दीदिया हाँ बैग लेके जाओ। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैग्स आर नॉट अलाउड बट। अच्छा तो मतलब वहाँ पे बैग वाला वहाँ पर लिखा है कि बैग्स आर नॉट अलाउड बट हमारे पास इतने बड़े बड़े बैग्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप लेकर जाओ। मतलब वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई बैग वाला आया नहीं अभी तक तो इसलिए आप लेके जाओ। अच्छा लेके चलो। हाँ भैया स्टाफ से बोल रहे हैं। हाँ ड्यूटी वाला जब इतना मैं टिकट ले रहा हूँ। देखिए हम लोग को बहुत जगह गाइड मिल जाते हैं।
ठीक है कपड़े क्या चाहिए? ये कैमरा है, इसे स्कैन करके देख ले यार। ये वीडियो कैमरा है ना? हाँ वीडियो कैमरा। इसका टिकट लगेगा। तो वहाँ पे तो कुछ बोला नहीं उन लोगों ने? यहाँ लगेगा ना। अच्छा यहाँ पर। ओके सो गाइज, यहाँ पर बड़ा अजीब सा लॉजिक है कैमरे के लिए। टिकट्स का तो ठीक है, कैमरा अगर आप एक्शन कैमरा लेके जाते हो तो उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 25 रुपीज़। अगर आप DSLR लेके जाते हो या बड़े कैमरे कोई भी लेके जाते हो तो इनका कहना है कि कोई चार्जेस वगैरह उसके नहीं, हम इंक्लूड करते हैं, मतलब उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि कैमरे में तो सब कुछ आ जाता है, मेरा DSLR के लिए कोई चार्ज नहीं किया। तो ये छोटे से कैमरे के लिए जिसका मतलब ये छोटे से कैमरा के लिए इन्होंने 25 रुपीज़ चार्ज किया, बेचारा छोटा सा एक्शन कैमरा। ₹3 फॉर द यूरिनल और ₹5 टोटल यूज करने के लिए कुतुब मीनार के अंदर। ओके सो गाइज, अभी हम लोग कुतुब मीनार से अक्षरधाम टेम्पल जा रहे हैं। और यहाँ से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से छतरपुर भी जा सकते हैं। छतरपुर यहाँ से नज़दीक है और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बट मैं छतरपुर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और चलिए चलते हैं अक्षरधाम टेम्पल के लिए। तो गाइस वापस से हम लोग अभी मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं। अक्षरधाम भी मेट्रो स्टेशन है। ओके भाई, ये क्या भैया? सोडा। सोडा नींबू पानी। लंगर बनना है तो दिल्ली में ये खासियत है। दिल्ली ऐसे शहर में और आगरा शहर में क्या है, लोग
खाने पीने में बहुत ज़्यादा शौकीन रखते हैं और खिलाने में ज़्यादा शौकीन रखते हैं जगह जगह पे रोड पे। तो जैसा कि जिस किसी की सबके अंदर एक श्रद्धा होती है कि मैं कुछ कमाऊँ और लोगों को खाना खिलाऊँ,